हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रवा इडली, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सब्जियां, जिससे उसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो चलिए देखते हैं इडली बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम रवा, जिसे सूजी भी कहते हैं, वो ली है। एक कटोरी थोड़ा सा खट्टा दही लिया है, थोड़ी सी मैंने मटर ली है, थोड़ी सी कद्दूकस की हुई गाजर, मस्टर्ड सीड्स, 2 टेबलस्पून ऑयल, और ये थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, कड़ी पत्ता, अदरक और काजू, और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हींग और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक बाउल में हम सूजी को लेंगे और सूजी में हम डालेंगे दही और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दही और सूजी की क्वांटिटी सेम है, जितना दही है, जितनी सूजी है उतना ही दही है। और इस पेस्ट को अब हम थोड़ा सा पतला करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। ये मिक्सचर हमें बहुत पतला नहीं करना है, तो इसमें हम धीरे धीरे करके ही पानी डालेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें और दही की भी गांठें ना रहें। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और नमक डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और इस मिक्सचर को अब हम रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। तो इसे हम ढक कर के रख देते हैं, तब तक हम इडली के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में लिया है थोड़ा सा तेल, और तेल गर्म होने पर अब मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड सीड्स। जब हमारे सरसों के दाने चटकने लग जाएं तो अब उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग डालने से इडली में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें ऐड कर देते हैं कटी हुई अदरक। ये मैंने अदरक को बारीक बारीक काटा है, और इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते मैंने धो के और अच्छे से सुखा लिए हैं, और इसको काट के इसमें डाल दिया है तड़के में। और इसमें हम डालेंगे काजू, जिससे कि हमारे काजू अच्छे से रोस्ट हो जाएं। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हरा धनिया। धनिया ऐड करने के बाद इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, तो इसमें अब मैं डाल देती हूँ कसी हुई गाजर। ये गाजर को आप बारीक बारीक काट भी सकते हैं। और इसमें डाली है मैंने थोड़ी सी हरी मटर। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स, शिमला मिर्च, जिससे हमारी इडली का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। ये हमारा तड़का जो है अब तैयार हो गया है। अब इसे हम ऐड कर देते हैं इडली मिक्स में। ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर अच्छे से फूल कर तैयार हो गया है। तो इसमें अब ऐड कर देंगे सारी सब्जियां, और सब्जियों को ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जियों की क्वांटिटी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, थोड़ी थोड़ी ही सब्जियां इसमें मैंने ऐड की हैं। और अब इस स्टेज पर हम ऐड करेंगे इसमें इनो। इनो डालने से हमारी इडली जो है वो बहुत ही ज़्यादा फूली फूली और एकदम सॉफ्ट बनेगी। और जैसे ही हम इसमें इनो डालेंगे, इनो डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करते ही अब हम लेंगे इडली स्टैंड, और इडली स्टैंड में अच्छे से घी या तेल लगाकर इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे, ताकि इससे हमारी जो इडली है वो इस पे चिपकेगी नहीं। तो पूरे इडली स्टैंड को हम घी या तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे अपना इडली का मिक्सचर। मिक्सचर जो है वो हमें इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालना है,
एक स्पून के आसपास ही डालना है। अगर ज़्यादा मिक्सचर हम इसमें भरेंगे तो हमारी इडलियाँ जब बन के तैयार होती हैं तो वो फूल जाती हैं, तो वो इसमें अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगी और इडली जो है वो फैल जाएगी। तो इसलिए हम थोड़ा ही डालेंगे और इसको अच्छे से सेट करेंगे। ये आप इडली कुकर में भी आप बना सकते हैं। मेरे पास कुकर नहीं है तो मैंने एक पतीले में पानी डाला है और पानी बहुत थोड़ा ही डालना है नीचे, जिसमें कि सिर्फ पानी नीचे नीचे रहे। और इसमें इडली स्टैंड को रखेंगे और इसको ढक के 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस को हम रखेंगे सिम, फुल गैस हमें नहीं करनी है। 20 से 25 मिनट के बाद में इसे टच करके देखेंगे या इसमें चाकू या टूथपिक डाल के देखेंगे। अगर हमारा चाकू एकदम क्लीन निकलता है तो इसका मतलब हमारी इडली जो है वो तैयार हो गई है। ये देखिए, ये हमारी इडली तैयार हो गई है। तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा स्टैंड ठंडा हो जाता है तब हम इसे निकाल लेंगे। इडली को निकालने के लिए हम चाकू की हेल्प से इसको बाहर निकालेंगे। अगर डायरेक्ट हम पकड़ के निकालेंगे तो इडली नीचे चिपकी हो सकती है, जिससे कि इडली टूट जाती है। तो इसे हम ऐसे चाकू की हेल्प से निकालेंगे इडली को। ये देखिए, ये हमारी इडली एकदम स्मूथ निकल रही है, ये बिल्कुल भी नीचे चिपकी नहीं है। और हमारा जो इडली का बैटर था वो भी बिल्कुल अच्छे उसमें था, जिससे कि हमारी इडली फैली नहीं है, एकदम राउंड शेप में बनी है। और इसमें जो हमने सब्जियां डाली थी उससे हमारा जो इडली का कलर है वो देखिए कितना अच्छा आया है। ये हमारी एकदम फूली फूली सॉफ्ट इडली बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसको इडली को सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ, नारियल चटनी के साथ या फिर सांभर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एक एक करके सारी इडलियों को हम प्लेट में निकाल लेंगे और मैंने इसे सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ में। आप चाहें तो इसको नारियल की चटनी के साथ या प्याज टमाटर की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और नाश्ते में इडली है वो बहुत ही अच्छी डिश है। तो दोस्तों, एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये सच में बहुत ही हेल्दी डिश है।